हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है सिबिराज। स्वागत है आप लोगों का सुपर इंग्लिश क्लास चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे दीज एंड दोज का प्रयोग। इसमें हमने एक एक्सरसाइज लिखी है, उसका हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पर देखिए, दीज और दोज का एक एक्सरसाइज है जिसको हम अभी रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें हमें पहले दीज और दोज के मीनिंग देख लेते हैं और इनका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है दीज, T H E S E, दीज। दीज मीन्स ये होता है और दोज मीन्स बे होता है, T H O S E, दोज। और इसमें लगेगा आर, R A R E, आर मीन्स हैं। आर इज मीन्स सभी सेंटेंस में प्रयोग होगा, जितने भी प्यूरल सब्जेक्ट होते हैं इसमें के, उसमें सब में आर लगता है, तो इतना याद रखना है। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें दीज और दोज, इसमें का एक मीनिंग लिखा जाएगा, फिर आर लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लड़की है तो यहाँ पे गर्ल बाद में आ जाएगा लास्ट में। तो इस एक्सरसाइज को बनाकर देखते हैं, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला सेंटेंस लिखा है ये लड़कियां हैं, तो यहाँ पर एक ही लिखेंगे दीज, T H E S E, दीज। आर मीन्स हैं, गर्ल मीन्स लड़की होता है, और इसमें यस लगाएंगे तो लड़कियां बहुत सी हैं इसलिए गर्ल्स हो गया। अगला सेंटेंस है बे औरतें हैं, तो यहां पर लिखेंगे दोज, T H O S E, दोज। आर वुमेन, W O M A N, यस लगाएंगे, वुमेन्स हो जाएगा। और दीज और दोज का प्रयोग समझ लीजिए, क्योंकि जब नजदीक होगा तो दीज का प्रयोग करेंगे और दूर होगा कोई चीज तो उसमें दोज का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से बनेगा ये सेंटेंस। अगला सेंटेंस लिखा है ये जूते हैं, तो यहां पर लिखेंगे दीज, दीज मीन्स होता है ए, दीज आर सूज। सूज की स्पेलिंग देखिए, S H O E S, सूज मीन्स जूते। इसमें कोई भी स्पेलिंग आपको नहीं पता है तो आप एक नोटबुक बनाइए, उसमें गर्ल, वुमेन, सूज, ये सब की मीनिंग लिख लीजिएगा, जिससे आपको वोकैबुलरी बहुत ही मजबूत हो जाएगी और आपको नेक्स्ट सेंटेंस जो भी बनाने होंगे तो उसमें बैकअप रहेगा, आपके पास बहुत सी मीनिंग्स पता होंगी। तो अगला सेंटेंस लिखा है बे लड़के हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दोज, लड़के बहुत से हैं तो दोज, यहाँ पे दोज आर, आर मीन्स हैं, बॉय मीन्स लड़का होता है, तो यहाँ पे बॉयज हो जाएगा क्योंकि लड़के हैं। तो अगला सेंटेंस लिखा है ये गाय हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दीज, दीज आर लगाएंगे, और गाय की होती है काऊ, C O W, यहाँ पे यस जोड़ेंगे क्योंकि बहुत से गाय हैं तो काउज हो जाएगा। नेक्स्ट है बे पौधे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दोज, T H O S E, दोज। आर प्लांट, P L A N T S, प्लांट्स मीन्स पौधे होते हैं, तो इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ये बल्ले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दीज आर बैट, B A T, यहाँ पे यस लगाइएगा तो बैट्स हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वे तोते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोज, T H O S E, दोज। आर पैरोट, P A R R O T S, पैरोट्स करेंगे, यहाँ पे यस लगेगा, बहुत से तोते हैं इसलिए। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ये खिलौने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोज, सॉरी फ्रेंड दीज हो जाएगा, दीज मीन्स ए होता है। आर टॉयज, T O Y S, टॉयज मीन्स खिलौने। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, अगला के सेंटेंस क्या लिखा है। इसमें हम पूरे 20 सेंटेंस बना के दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और मीनिंग भी नोट कर लीजिएगा। अगला सेंटेंस लिखा है वे बंदर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दोज, T H O S E, दोज। आर मंकी, M O N K E Y S लगाइए, यहाँ पे मंकीज हो जाएगा। ये अंगूर हैं, तो यहाँ पर बनेगा दीज। आर ग्रेप, G R A P E S लगाइए, तो ग्रेप्स हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट होगा। अगला सेंटेंस लिखा है बे बकरियां हैं, तो यहाँ पे दोज लिखेंगे, बकरियां दूर है इसलिए दोज। आर गोट, G O A T S, इसमें भी लगाइए, गोट्स हो जाएगा। अगला सेंटेंस लिखा है ये झंडे हैं, तो यहाँ लिखेंगे दीज। आर अब यहाँ पर फ्लैग लिखेंगे, F L A G S, फ्लैग्स मीन्स झंडे होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है
वे किताबें हैं, तो यहां पर हो जाएगा दोज, और बुक मीन्स किताब होता है, तो इसको लिखेंगे बुक्स। यहां पे किताबें बहुत सी हैं तो इसलिए बुक्स हो गया है। मीनिंग सभी नोट कर लीजिएगा। अगला सेंटेंस है, ये बच्चे हैं, तो यहां पर हो जाएगा दोज, सॉरी फ्रेंड दीज हो जाएगा, दीज आर चिल्ड्रेन, CHILDREN, यस नहीं लगाइएगा, चिल्ड्रेन मीन्स ही बच्चे होता है। अब ये सेंटेंस अगला लिखा है, वे बिल्लियां हैं, तो यहां पर लिखेंगे दोज, दोज आर कैट, CATS, कैट्स मीन्स बिल्लियां। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, ये पंखे हैं, तो यहां पे हो जाएगा दीज आर फैन, या FANS कर दीजिए, यस लगाने से आपको फैंस बहुत हो जाएंगे, तो यहाँ पे फैंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे कल में है, तो यहां पर बनेगा दोज और कल में की लिखेंगे पेन, PENS, पेंस मीन्स कल में हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, ये खिलाड़ी हैं, तो यहां पर लिखेंगे दीज आर प्लेयर, PLAYER, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी होता है, यहाँ पे यस लिखिए तो खिलाड़ी हो जाएगा। अगला सेंटेंस लिखा है, वे दरवाजे हैं, तो यहां पर लिखेंगे दोज आर डोर, DOOR, डोर्स मीन्स दरवाजे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सुपर इंग्लिश क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे उन्हें भी हेल्प हो सके इस तरह की वीडियो देखने में। और भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे टेंस के ऊपर, और मैथ से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोज होंगे, आप लोग उन वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।